वीगन चॉकलेट स्प्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक काकाओ बीन्स को रोस्ट करा है। अगर आपके पास बीन्स नहीं है तो आप बाजार से कोको निब्स भी खरीद सकते हैं। काकाओ बीन्स जब अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएं, तो उनके छिलके अलग कर लीजिए। चॉकलेट स्प्रेड बनाने के लिए हमको चाहिए 100 ग्राम काकाओ बीन्स, 100 ग्राम रोस्टेड मूंगफली, 70 ग्राम हमने लगभग चीनी का पाउडर इस्तेमाल किया है और 50 ग्राम हमने कैश्यूज लिए हैं। इन सब इंग्रेडिएंट्स को आप अपने स्वाद के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ज़्यादा चॉकलेट का टेस्ट अच्छा लगता है और आपको डार्क चॉकलेट की बिटरनेस खराब नहीं लगती, तो आप चीनी की मात्रा कम कर सकते हैं, या अगर आपको इसे और क्रीमी और रिच बनाना है तो आप इसमें काजू की मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मूंगफली से एलर्जिक हैं या उसका टेस्ट अपने खाने में पसंद नहीं करते, तो आप ये वीगन चॉकलेट स्प्रेड सिर्फ काजू से भी बना सकते हैं। इन सब इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छी तरह से ब्लेंडर में मिक्स कर लीजिए और ये तब तक मिक्स करते रहिए जब तक चॉकलेट लिक्विड नहीं हो जाती। इन इंग्रेडिएंट्स को बीच बीच में हिलाते भी रहिए। आपकी ये वीगन चॉकलेट स्प्रेड हो गई है तैयार। आप चाहें तो इसको मीठे के तौर पे ऐसे ही खा सकते हैं, या इसको रोटी पे, टोस्ट पे या अपने पैनकेक पर भी लगा सकते हैं।